हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर क्रिएटिव वीडियो तो आज हम करेंगे के जी एफ टू का कॉन्सेप्ट सिनेटोग्राफी शूट अपने मोबाइल से इसको मोबाइल से एडिट करेंगे और कलर ग्रेडिंग भी मोबाइल से ही करेंगे तो अभी जो आपने वीडियो देखी के जी एफ की जो कि मैंने शूट की है मोबाइल से ही सब कुछ किया है सेम अगर आपको ऐसे ही रिकॉर्ड करना है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और जो मैंने पुष्पा वाली जो वीडियो बनाई थी उस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया उस पर वन मिलियन व्यूज हो चुके हैं तो भाई उसके लिए थैंक्स और जो लोग बोल रहे थे भाई के जी एफ टू पर भी कोई वीडियो लेकर आओ तो फाइनली वीडियो आ चुकी है बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए तो अभी हम अपनी लोकेशन साइट पर आ चुके हैं और लोकेशन आपको ऐसी रखना है जहाँ पर कोई फैक्ट्री हो या फिर कुछ ऐसा वेयर हाउस टाइप या कोल्ड स्टोरेज या फिर कुछ भी ऐसी जो फैक्ट्री देखने में लगे तब जो आपका जो फील होगा तभी वीडियो में आएगा वरना अगर आप नॉर्मल लोकेशन पर करेंगे तो फिर ऐसा फील नहीं आएगा वीडियो में और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है शूटिंग में वो है मौसम आपको ऐसा टाइम रखना है जहाँ पर सूरज थोड़ा नीचे हो यानी कि बहुत ज़्यादा धूप ना हो अगर आप धूप में शूट करेंगे तो आपकी वीडियो में वो वाली फ़ील नहीं आएगी जो कि एक के की टोन आती है कलर ग्रेडिंग एक अलग सी लगती है वो फील अगर आपको लाना है तो आपको वीडियो को शाम में ही शूट करना पड़ेगा तो अभी ज़्यादातर हमें वीडियो को स्लो मोशन में शूट करना है और जो स्टेबिलिटी अगर वीडियो में आपकी स्टेबिलिटी लाना है तो आप किसी गिम्बल का यूज़ कर सकते हैं मेरे पास था तो मैंने कुछ शॉट गिम्बल से लिए हैं बाकी मैंने अपने हाथ से रिकॉर्ड किए हैं अगर आपके पास गिम्बल नहीं है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं कि आप अपनी वीडियो को स्टेबलाइज कैसे करें तो अभी कुछ इस टाइप से हम ये वीडियो शूट कर लेते हैं जो हमारा सनसेट आगे दिख रहा है और जो हमारा नकली रॉकी है जो कि पुष्पा भी था पहले अभी रॉकी बन गया है अगर आपने हाँ पुष्पा वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है तो फिलहाल हम इस टाइप से ए, इस वीडियो को शूट कर लेते हैं और ये वीडियो मैंने स्लो मोशन में शूट की है तो हमें कुछ अलग अलग सीन ले लेना है कुछ फैक्ट्री के सीन या फिर कुछ वहाँ पर ऐसा लगा है प्रोजेक्ट वगैरह आप उसका भी सीन रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एक ये मोटर वगैरह लगी हुई है तो इसका भी मैं एक सिंगल शूट ले लेता हूँ हमारी वीडियो एडिटिंग में हम इसको लगा देंगे अब जो हमारा अगला सीन है जहाँ पर रॉकी चलता हुआ जा रहा है और पैरों में से धूल निकल रही है तो वो सीन कैसे रिकॉर्ड करना है इस सीन को भी मैंने स्लो मोशन में रिकॉर्ड किया है और लो एंगल से शूट करना है आपको एक्सपोजर भी लॉक कर लेना है अगर आपको नहीं पता वीडियो शूट कैसे करते हैं अच्छे से तो आप ये वीडियो देख सकते हैं तो यहाँ पर आपका जो एक्टर है उसे आपको बताना पड़ेगा कि पैर आपको रगड़ कर चलना है ताकि धूल जो है वो उड़े और कैमरे में उड़ती हुई दिखे तो वीडियो में आपको कुछ एक्शन सीन भी रिकॉर्ड कर लेना ताकि वीडियो देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगे तो अभी मैं आपको बी दिखाता हूँ अपने इस एक्शन सीन के और यार ये काफ़ी देर में हुआ था अभी आप बी देखिए आपको खुद ही पता लग जाएगा भी गया तो यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि अंधेरा काफी हो चुका है हम लोग पहले से ही लेट आए थे और ये वाला सीन भी नहीं हो पा रहा तीन चार टेक हो चुके हैं अभी तक परफेक्ट नहीं हो पाया चप्पल टूट गई इनकी चप्पल भी टूट नुकसान काफी ज़्यादा हुआ है ये पुष्पा के जी बन चुका है हमारा अगर आपने पहले वाली पुष्पा <laughs> देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे बहुत अच्छे से आप इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मिस्टर अरबाज़ करीम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी यादव <laughs> नई ज्वाइनिंग है देखो भाई चप्पल टूटी है भरपाई अब उधर भाई करेंगे कोई टेंशन नहीं भाई मैं, मैं तुम्हें तो नई चप्पलें पड़वाऊंगा फ्लैट ही लूंगा लूँगा <laughs> <अमेद। laughs> <laughs> तो बहुत सारे वीडियो शूट हमने यहाँ पर निकाल लिए थे और सभी को ज़्यादातर हमने स्लो मोशन में शूट किया था क्योंकि स्लो मोशन में शूट करने का फ़ायदा ये है अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो आप नॉर्मल एडिट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए इसकी स्पीड कम करना तो अगर आपने इसे स्लो मोशन में शूट किया होगा तो आप इसकी स्पीड को एडिटिंग में कम भी कर सकते हैं अगर आपने स्लो मोशन में शूट नहीं किया है तो फिर आप उसको स्लो मोशन में नहीं कर सकते तो वीडियो शूट अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है अब बारी आती है एडिटिंग एंड कलर ग्रेडिंग की तो कलर ग्रेडिंग आप काइन मास्टर में नहीं कर सकते एडिट तो कर सकते हैं ये वाली फ़ील नहीं आएगी कलर ग्रेडिंग में जैसे कि आप अभी देख रहे हैं तो मैंने पूरी वीडियो को ही वी से एडिट किया है तो अगर आप काइन मास्टर से एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं लेकिन अगर आप वी से एडिट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा तो इस वीडियो को मैं एडिट करने वाला हूँ वी से तो अभी मैं वी को ओपन कर लेता हूँ अब यहाँ से आपको अपनी सारी वीडियोस को इंपोर्ट कर लेना है जो जो आपने शूट की थी और आप पहले ही देख लीजिए कि आपको कौन सी वीडियो ख़राब हो चुकी है तो आप उसे गैलरी में ही डिलीट कर दीजिए ताकि यहाँ पर आप बार बार उसे इंपोर्ट करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा सारी वीडियोस को इंपोर्ट करने के बाद आपको म्यूज़िक को इंपोर्ट कर लेना है आप कोई भी के का म्यूज़िक ले सकते हैं अगर आपको सेम यही बीट वाला म्यूज़िक चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं ऐट द रेट टैग अबूजर वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वीडियोस भी आपको मिलती रहती हैं अपडेट सिनेमाटोग्राफी से तो आपको जाकर वहाँ पर ये वाली रील मिल जाएगी के की आप इस रील को डाउनलोड करके इसका म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं तो म्यूज़िक को इंपोर्ट करने के बाद बारी है हमारी बीट से अपनी वीडियो को कट करना जहाँ पर जैसी बीट आती है वहीं पे आपको वीडियो को कट करना है तो सबसे पहले जो हमारी वीडियो आती है उसके बाद एकदम से ब्लैक स्क्रीन हो जाती है फिर वीडियो आती है फिर ब्लैक स्क्रीन फिर वीडियो फिर ब्लैक स्क्रीन तो यहाँ पर आपको कैसे करना है पहले आप बीट को अच्छे से देख लीजिए मतलब म्यूज़िक को सुन लीजिए कहाँ पर एकदम से बंद होती है तो जो हमारी पहली बीट है जैसी ख़त्म होती है तो आपको वीडियो को वहाँ तक ट्रिम कर लेना है इसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है देन आपको फ़ोटो में जाना है और आपको एक ब्लैक फ़ोटो को इम्पोर्ट कर लेना है तो आपको ये ब्लैक स्क्रीन जब तक रखना है जब तक हमारी नेक्स्ट बीट नहीं आ जाती तो आप एक बार प्ले करके देख लीजिए कहाँ पर आपकी नेक्स्ट बीट आ रही है वहीं तक आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर ट्रिम कर सकते हैं और हाँ अगर आपने वीडियो को स्लो मोशन में शूट किया है तो आप साथ में इसकी स्पीड पहले से ही कम करते जाइए सारी वीडियोस की अभी जो मैंने अपनी वीडियो लगाई है इसकी स्पीड कम कर ली है क्योंकि हमें स्लो मोशन में ये वाली क्लिप चाहिए जो आपको स्लो मोशन में नहीं चाहिए उसकी आप स्पीड कम मत करिए अब हमारी जैसी नेक्स्ट बीट आती है हमारी दूसरी वीडियो ओपन होकर आएगी तो यहाँ पर मैं दूसरी वीडियो को लगा लेता हूँ इसके बाद सेम वही प्रोसेस है आपको वहाँ तक इस वीडियो को रखना है जहाँ तक हमारी बीट बंद नहीं होती और एकदम से ब्लैक स्क्रीन आ जाती है फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को आपको रखना है तो ऐसे ही करके आपको बीट बाय बीट वीडियो को कट करना है जैसे ही अगली बीट आती है आपको वीडियो विजुअल दूसरा लगा देना है और यहाँ पर मैंने कुछ सीक्वेंस भी बनाया है जैसे कि अभी मैंने अपने कैरेक्टर को रिवील नहीं किया है पहले कुछ चीज़ दिख रही है फैक्ट्री दिख रही है या फिर चलता हुआ दिख रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट बीट आती है दो तीन बीट के बाद वहाँ पर हमारे जो कैरेक्टर का फेस रिवील होता है फिर एकदम से एक्शन आने लगता है तो मैंने कुछ इस टाइप से कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनाया है तो अभी जो एक्शन वाला पार्ट है वो भी हम बीट पर कट कर देंगे और वहाँ पर अच्छे से लगेगा कि ये वाकई में इस बंदे को उठा कर पटक रहा है क्योंकि वहाँ पर हमने असलियत में नहीं पटका था बहुत ही धीरे से रखा था ताकि चोट ना लगे दूसरे को तो उस वजह से हम यहाँ पर कट डाल देंगे और हमारा जो एक्शन होगा वो काफ़ी स्मूथ दिखेगा अब यहाँ पर जो फायर वाला सीन है जो ये गन निकाल कर फायर कर रहा है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि आपको कैसे गन शॉट दिखाना है एकदम से असली लगे उसका जो फ्लैश फायर हो रहा है वो भी दिखे आपको इसके लिए अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं तो ऐसे ही आपको नॉर्मल एडिटिंग करते जाना है ज़्यादा टफ नहीं है बस आपको वीडियो में स्लो मोशन लगा कर नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट सीन आपको दिखाते रहना है तो ये चीज़ें आपको पहले कर लेना है उसके बाद वीडियो में कलर ग्रेडिंग करना है वीडियो को एक्सपोर्ट नहीं करना है इसी प्रोजेक्ट में आप कलर ग्रेडिंग करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे कलर ग्रेडिंग करना है तो अब हम करने वाले हैं इस वीडियो में कलर ग्रेडिंग और कलर ग्रेडिंग यहाँ पर दो पार्ट में होने वाली है सबसे पहले हम इसमें फ़िल्टर लगाएंगे सारी वीडियोस में और फिल्टर देख लेंगे कौन सा किस वीडियो पे लग रहा है और हमें कोई कूल सा फ़िल्टर नहीं लगाना है यहाँ पर हमें वार्म फिल्टर लगाना है ताकि के जी एफ वाली टोन आए उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो ये है इस वीडियो की कलर जो एडजस्टमेंट है उसको ठीक करना सबसे पहले आपको फ़िल्टर वाले ऑप्शन में आ जाना है अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसा वॉम वाला फ़िल्टर देखना है जो कि ड्रामेटिक लगे क्योंकि आपको अपने हिसाब से देखना है आप यहाँ पर मेरी कलर ग्रेडिंग की कॉपी मत करिए क्योंकि वहाँ पर आपने अलग एटमोस्फेयर में शूट किया है वीडियो अलग डायरेक्शन में या फिर अलग टाइम पर शूट की है तो आप उस हिसाब से इस वीडियो में अपने कलर ग्रेड कर सकते हैं तो आप एक वीडियो क्लिप पर एक फ़िल्टर लगा लीजिए उसके बाद जो उसकी ओपेसिटी होती है वो कम करके देख लीजिए अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो हो सकता है आपकी जो वीडियो के कलर हैं वो बर्न हो जाए वीडियो अच्छे से ना दिखे उसके बाद आपको नीचे क्लिक कर देना है अप्लाई टू ऑल अप्लाई टू ऑल करने के बाद अब आप आपको क्या करना है सारी वीडियोज़ में जाकर देखना है कि वो फ़िल्टर हमें कितना रखना है तो आप अपनी हर वीडियो के हिसाब से उस फ़िल्टर की ओपेसिटी कम कर सकते हैं या फिर अगर आपकी कोई वीडियो अलग है तो आप उसमें फ़िल्टर भी चेंज कर सकते हैं सारी वीडियोज़ में फ़िल्टर लगाने के बाद अब बारी आती है एडजस्टमेंट की तो अब एडजस्ट वाले ऑप्शन में आ जाइए देन आपको यहाँ पर ब्राइटनेस मिलेगी एक्सपोज़र मिलेगा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा तो जैसे ही आपकी वीडियो उस हिसाब से आप सब कुछ कम कर सकते हैं अगर आपकी वीडियो में बहुत ज़्यादा रोशनी दिख रही है तो आप एक्सपोज़र को थोड़ा सा कम कर दीजिए क्योंकि हमें थोड़ा सा डार्क फील लाना है और कॉन्ट्रास्ट भी आप कम कर सकते हैं देन जो सेचुरेशन है अगर बहुत ज़्यादा है उसे आप कम कर दीजिए और जो टेम्परेचर है उसको आपको थोड़ा सा हाई रखना है आप इसको कूल cool साइड नहीं रख सकते क्योंकि के की टोन ही ऐसी है देन जो हमारा विनीट है आप उसको भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि थोड़ा सा सिनेमेटिक फील आए देन जो हाईलाइट्स हैं आपको उनको भी कम करना है क्योंकि हमारी वीडियो में जो हाईलाइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ चमकते हैं तो हमें उनको कम कर देना है देन शेडोज़ अगर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा डार्क दिख रही किसी एरिया में तो आप शेडोज़ को थोड़ा सा बढ़ा देख लीजिए तो अभी हमारी जो एक वीडियो क्लिप है आप इसे दोबारा से देख लीजिए कि इसकी कलरिंग अब सही से दिख रही है आंखों में अच्छी लग रही है टोन या फिर नहीं तो ऐसे ही आपको सारी वीडियोस में एडजस्ट कर लेना है आपको अप्लाई टू ऑल नहीं करना है हर वीडियो का मैन्युअली अलग अलग एडजस्ट सेट करना है और सभी वीडियो क्लिप्स का जो टेम्परेचर है आपको उसको बढ़ा देना है तभी आपकी वीडियो में वार्म वाली फ़ील आएगी और जो के वाली जो टोन होगी वो दिखने लगेगी तो अभी मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ देन आपको दिखाता हूँ मैंने जो कलर ग्रेडिंग की है वो बाद में कैसी दिख रही है तो अभी आप देख सकते हैं हमारी सारी वीडियोस एक जैसी लगने लगी हैं मतलब जो हमारा कलर करेक्शन है वो सही कर लिया है एकदम से जो टोन है वो परफेक्ट मैच हो रही है सभी वीडियोस की तो ऐसे ही आपको रखना है ये नहीं कोई वीडियो एकदम आपकी डार्क दिख रही है कोई एकदम से बहुत ज़्यादा रोशनी वाली दिख रही है तो आपको सभी में कलर एडजस्टमेंट कर लेना है सेचुरेशन हाईलाइट सबको अच्छे से, से सेट कर लेना है तो so फाइनली हमारी के जी एफ कॉन्सेप्ट सिनेमाटोग्राफी बनकर तैयार हो चुकी है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आई होप आपको ये वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई होगी अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो कर लो सभी का यूज़र नेम सेम है एट द रेट टैग अबूजर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वीडियोज़ डाता रहता हूँ और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जब तक लिए बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग